मैंने सोचा बहुत सारा फेस्टिव सीजन आने वाली है, जैसे कि हम लोगों का बंगाली का दुर्गा पूजा एंड दिवाली भी आने वाली है। इसके लिए मैंने कुछ आउटफिट रिक्रिएट भी किया है पुराना वाला से एंड कुछ नया वाला भी आउटफिट क्रिएट किया है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। सो वीडियो से हमारे चैनल मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में जो छोटे से बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, बिकॉज मेरा जो दूसरा वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जाएगा तो बहुत सारा वीडियो मिस कर देंगे। एंड मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसमें मैं ढेर सारा ब्लॉग दे चुकी हूँ बंगाली में, कोई भी इंटरेस्टेड है तो जरूर जाके चेकआउट कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है एंड मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे मैंने दे दिया। सो जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज अ फेस्टिव एंड दुर्गा पूजा स्पेशल सीजन के लिए आउटफिट के लिए मैंने एथनिक वेयर में चूज़ किया है। एज ए फर्स्ट मैंने जो आउटफिट चूज़ किया है एक रेड एंड ब्लैक गोल्डन कॉम्बिनेशन का मेखला एंड उसके साथ पेयर अप किया है एक शर्ट की एज ए टॉप की तरह वेयर किया है, बिकॉज आप लोग पूरी वाइट होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास पूरी वाइट नहीं था, इसके लिए मैं ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन से ही पहना है। एंड उसके साथ मैंने ऑर्नामेंट्स के लिए पेयर किया है एक रेड एंड गोल्डन पाल्स की मोतियों का माला एंड बैंगल्स, रेड कलर की बैंगल्स, उसके साथ दो गोल्डन बैंगल्स। सेकेंड आउटफिट के लिए मैंने पेयर किया है एक मैक्सी अनारकली टाइप्स ऑफ ग्राउन टाइप्स ऑफ ड्रेस एंड उसके साथ मैंने एक और भी ज़्यादा एथनिक देने के लिए यूज़ किया है एक ब्लैक कलर की जो ओढ़नी है उसको। सो इस ओढ़नी को मैंने अलग से परचेस किया था। सो मैंने पेयर अप करके देखा, ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड उसके साथ एक सुंदर सी बड़ी ईयरिंग को यूज़ किया है, बिकॉज मेरे और कोई भी जगह पे कोई भी काम नहीं था इसके लिए एंड मेरे बाल को खुला ही रख दिया। सो इसके साथ मैंने पेयर अप किया है। सो आई होप इस ड्रेस को भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस रफल टाइप्स ऑफ मेरे हैंड पे किया हुआ था, इसके लिए इसका चांद और भी लग रहा था। सो आप लोग चाहे तो इस तरीके की ड्रेस को इस तरीके से पहन भी सकते हैं और खाली भी पहन सकते हैं। सो थर्ड आउटफिट के लिए मैंने चूज़ किया है एक प्लाजो पैंट एंड उसके साथ जो ऊपर वाली पोर्शन होती है यानी कि जो कुर्ती की पोर्शन होती है उसको। सो बहुत सुंदर सी एक प्लाजो एंड था मेरे पास पिंक है सॉरी ऑरेंज एंड ब्लू कॉम्बिनेशन की, बहुत ढेर सारा वर्क किया हुआ था। इसके लिए मैं हेवी ईयरिंग्स को नहीं वेयर करते हुए मैं एक हेवी नेक पीसेस को वेयर किया एंड मेरे हैंड पे वॉच को वेयर करके मैं बैक साइड का बन बना लिया यानी कि डो ब्रेड बन जो होती है उस तरीके से बना लिया। सो बहुत अच्छा लग रहा था। देन नेक्स्ट आउटफिट है एकदम नया जो मैंने मीशो से ख़रीदा था, ये भी एक मैक्सी ड्रेस था। सो मैं इसके लिए पेयर अप किया है थोड़ा सा साइड बन बना के एंड गले पे नेक पीसेस वेयर करके एंड थोड़ा सा और भी क्लासी लुक डालने के लिए मेरे पास एक वाइट बेल था। सो उसको मैंने इस तरीके से कमरबंद की तरह अप्लाई करके पहना है। इसके लिए मेरे ड्रेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रेस आप लोग पहन ही सकते हैं एंड अलग से इस तरीके की बेल्ट ऑर्नामेंट भी मिलता है ऑनलाइन पे। सो नेक्स्ट आउटफिट के लिए मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न करा एक वाइट एंड वाइट कलर की, वाइट नहीं बोलूँगी क्या बोलूँ इस कलर को, मैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। सो इस तरीके की एक वाइट कॉम्बिनेशन ही बोल सकते हैं उस तरीके से एंड रेड रेडिश जो ब्राउन कलर होती है उस तरीके की एक टॉप के साथ पेयर अप किया है। ये टॉप नहीं है, एक शर्ट की तरह है, आप लोग शर्ट की तरह भी इसको पेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आउटफिट है एक कम्प्लीटली सुंदर एंड एकदम एथनिक सलवार सूट जिसको मैंने एक वाइट एंड ब्लू कलर की
जो ओढ़नी होती है उसके साथ पेयर किया है, एकदम अच्छी लग रही है। इस मेकअप लुक को आप लोग मेरे चैनल में पहले ही दिया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। सो कितनी सुंदर लग रही है इस कॉम्बिनेशन। एंड मैंने थोड़ा सा हेवी ईयर रिंग को भी वेयर किया है। देन नेक्स्ट आउटफिट के लिए मैंने चूज़ किया है एक पिंक वाली शलवार सूट एंड उसके साथ खूबसूरत एक मेकअप लुक, जिसको ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक ज़रूर दे दूँगा। सो इस तरीके की हेवी तरीके की जो ड्रेसेस होती है, इसके साथ थोड़ा सा लाइट वेटेड ही इयर रिंग पहने जैसे मैंने पहना है। देन नेक्स्ट आउटफिट एक गॉर्जियस था, मेरा एक गॉर्जियस कुर्ती था। सो उसको मैं पेयर अप किया है। इस लुक भी मेरे पास पहले ही दिया हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस ईयर रिंग तो मेरे इस लुक में चांद चांद लगा रहा है, बिकॉज ईयर रिंग्स मेरे ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, इसके लिए मैं इस ईयर रिंग को पेयर अप किया है। सो मैं नेक्स्ट आउटफिट है जो एक क्रॉप टॉप। सो क्रॉप टॉप को थोड़ा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए मैं पहले जो आउटफिट पहना था उसका ही साथ जो मैं एक पीसेस पहना था, यानी कि रेड एंड कॉइन वाला जो स्टार्ट होती है उस तरीके की नेक पीसेस को पेयर अप किया है। एंड मेरे कुछ बालों को थोड़ा सा वेवी कर्ल दे दिया, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। इस तरीके की आउटफिट आप लोग नाइट आउट के लिए रख ही सकते हैं, बिकॉज इस तरीके की आई आउटफिट नाइट आउट के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। सो इस ब्लैक क्रॉप टॉप मेरे इस लुक को चांद चांद लगा रहा है। देन दूसरी जो आउटफिट है वो भी एक ब्लैक कलर की ही है, पूरी ग्राउंड ड्रेस टाइप सब आउटफिट है, मैं पूरी नहीं दिखा पाई। सो उसके लिए सर्विक मैं इस लुक को क्रिएट किया है एक स्मोकी आई मेकअप के साथ एंड क्रॉल करते हुए मेरे बालों को छोड़ दिया। सो इस तरीके से मेरे पूरी आउटफिट मैंने कंप्लीट किया। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आप लोगों को फ्रेंड रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। मैं और भी एक आउटफिट की जो वीडियो है साड़ी के साथ लेके चले हूँ। अब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, अच्छे रहिए, सबको अच्छे तरीके से रखिए भी।